दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडिया के टू फेमस स्टेट्स असम एंड वेस्ट बंगाल जो मेनली अपनी टी प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं इनको कंपेयर करेंगे। हॉस्पिटल्स, टूरिस्ट स्पॉट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी और बहुत सारे फैक्ट्स के साथ में देखेंगे कि कौन सा स्टेट बढ़िया है। तो हमारा यह वीडियो पूरा जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की बिना किसी देरी के। तो असम की बात करें तो यह इंडिया का एक हसीन राज्य है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र इसकी मुख्य नदी बहती है। असम का टोटल एरिया 78,438 किलोमीटर स्क्वायर का है जो इंडिया का 16th लार्जेस्ट स्टेट है। असम के पास ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर वैलीज, हिल्स एंड लश टी गार्डन्स के ज्योग्राफिक फीचर्स हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यह इंडिया का 13th लार्जेस्ट स्टेट है जिसका टोटल एरिया 88,752 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन पर फैला है। इसके एक साइड पर हिमालय है तो दूसरी साइड पर बे ऑफ बंगाल, साथ ही गंगा के मैदान भी इसी राज्य में है। कंक्लूजन निकालें तो वेस्ट बंगाल के पास असम के मुकाबले ज्यादा ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी है, इंक्लूडिंग प्लेन्स, माउंटेन्स, कोस्टल रीजन जो ज्यादा एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड ट्रेड के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैं दूंगा वेस्ट बंगाल को, तो स्कोर होता है 0-1। असम की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ की है। पॉपुलेशन डेंसिटी 460 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एंड यहाँ की 14% ऑफ पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड है। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन 10 करोड़ से भी ज्यादा है। हर एक किलोमीटर में 1,102 लोग रहते हैं और 32% आबादी शहरों में रहती है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी मिलेगा वेस्ट बंगाल को। नेक्स्ट अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो असम इंडिया का नंबर 1 टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, बट वेस्ट बंगाल इंडिया का सेकंड मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है एंड नंबर 1 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट भी। असम की मेजर क्रॉप्स में टी, राइस, जूट, ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड सुगर केन का नाम आता है, जबकि वेस्ट बंगाल की मेजर क्रॉप्स में राइस, जूट, पटेटो, टी एंड सुगर केन का नाम आता है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट दोनों स्टेट को मिलेगा एंड स्कोर होता है 1-2। एजुकेशन की बात करें तो वेस्ट बंगाल का लिटरेसी रेट 80% के समथिंग है एंड यहाँ के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, IIT खड़गपुर एंड जादवपुर का नाम आता है और इस स्टेट के पास 33 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। असम का लिटरेसी रेट 76% के समथिंग है और यहाँ पर 22 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। IIT गुवाहाटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड असम यूनिवर्सिटी यहाँ के प्रोमिनेंट एजुकेशन सेंटर हैं। गाइस, वेस्ट बंगाल के पास हायर लिटरेसी रेट एंड मोर एस्टेब्लिश्ड हायर एजुकेशन सिस्टम है, तो यह पॉइंट भी वेस्ट बंगाल को जाएगा एंड स्कोर होता है 1-3। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वेस्ट बंगाल के पास 92,023 किलोमीटर का रोड नेटवर्क, एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क एंड वन ऑफ द मेजर एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। असम की बात करें तो यहाँ पर 69,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क एंड डेवलपिंग रेलवे नेटवर्क, लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। गाइस, अगर हेल्थ केयर की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 1600 से भी ज्यादा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ का इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट 20/1000 इन्फेंट्स है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 ईयर्स की है। असम की बात करें तो यहाँ पर 800 से भी ज्यादा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट 40/1000 इन्फेंट्स है एंड यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर्स की है जो कि वेस्ट बंगाल से कम है। दोस्तों, सोशल इंडिकेटर्स को देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में 19.98% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे आती है। यहाँ का जेंडर रेशियो 950 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है और HDI 0.650 मीडियम लेवल का है। असम में 31.9% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन आती है। यहाँ का सेक्स रेशियो 958 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है और यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.620 मीडियम लेवल का है। इकोनॉमी, वेस्ट बंगाल की नॉमिनल GDP 2024 में 230 बिलियन से भी ज्यादा है। यहाँ की GDP पूरे इंडिया में 6th नंबर पर आती है जो कि 10.5% के रेट से इंक्रीज हो रही है और वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा 2300 US का है। असम की नॉमिनल GDP 79 बिलियन डॉलर की है जो कि पूरे इंडिया में 17th नंबर पर आती है। असम की GDP ग्रोथ रेट 10.2% की है एंड पर कैपिटा इनकम 2200 US की। दोस्तों, अगर दोनों ही स्टेट्स की टूरिज्म इंडस्ट्री को कंपेयर किया जाए तो वेस्ट बंगाल में ईयरली 92 मिलियन टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए आते हैं
यहाँ की की अट्रैक्शन में सुंदरबंस, दार्जिलिंग, विक्टोरिया मेमोरियल एंड हावड़ा ब्रिज का नाम आता है और वेस्ट बंगाल इंडिया के लिए 25,000 करोड़ का टूरिज्म रेवेन्यू जनरेट करता है। असम में ईयरली 7.2 मिलियन टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए आते हैं और यहाँ की बेस्ट टूरिस्ट साइट्स में काजीरंगा नेशनल पार्क, माजुली द्वीप, मानस नेशनल पार्क एंड टी गार्डन्स फेमस है और यह स्टेट इंडिया के लिए 3,000 करोड़ इंडियन रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है। लास्टली दोस्तों, दोनों ही स्टेट्स की बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग्स पर नज़र डाली जाए तो वेस्ट बंगाल गुड इन कल्चरल हेरिटेज, एजुकेशन, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, टूरिज्म एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट में बेस्ट है, जबकि असम गुड इन नेचुरल ब्यूटी, टी इंडस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट है। वेस्ट बंगाल की वर्स्ट थिंग्स में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, पॉवर्टी, पॉल्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शामिल है, जबकि असम की बेकार चीजों में एथनिक टेंशन, फ्लड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन गैप शामिल है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।